तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुविघ्नन्ति ये भूरिदा जना। श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद 63 16 दिसंबर 1883। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में है, अपने कमरे के पश्चिम वाले गोल बरामदे में बैठे हुए हैं। गंगा है सामने और श्री रामकृष्ण मणि से बात कर रहे हैं। रविवार है और रविवार होने के कारण यह अपेक्षा की जा सकती है कि आज बहुत सारे भक्त श्री रामकृष्ण से मिलने के लिए आएंगे। श्री रामकृष्ण ने एक भजन गाया, गाना गाया, तारा। मां जगदम्बा को तारा भी कहते हैं, जो तारने वाली है। मुझे तारना होगा, मैं शरणागत हूं। पिंजरे के पक्षी जैसी मेरी दशा हो रही है। मैंने असंख्य अपराध किए हैं, मैं ज्ञानहीन हूं, मैं माया में मोहित हुआ व्यर्थ भटकता फिर रहा हूं। बछड़ा खो जाने पर गाय की जो दशा होती है वही मेरी दशा है। श्री रामकृष्ण ये गाना गाकर उस पर एक कमेंट करते हैं, क्यों पिंजरे की चिड़िया की तरह क्यों होंगे? छि छि कहते ही कहते भावावेश में आकर शरीर मन सब स्थिर है, आंखों से धारा बह चली है। कुछ देर बाद कह रहे हैं, मां सीता की तरह कर दो, बिल्कुल सब भूल गई हैं, देह का ख्याल नहीं, हाथ पैर स्तन योनि किसी का होश नहीं, एकमात्र चिंता कहां राम। यह जो भजन श्री रामकृष्ण ने गाया इसमें कुछ भाव विशेष प्रकट किए हैं। पहला, श्री रामकृष्ण कहते हैं मैं शरणागत हूं। भगवान का शरणागत होना यह तो अच्छा है। श्री राम कृष्ण स्वामी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आओ। अर्जुन भी प्रारंभ में कहता है, कार्पण्योपदोषोपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, यह श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहितम में शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। तुम्हारा प्रपन्न हुआ हूं, तुम्हारी शरण में आया हूं, तो शरणागत होना अच्छा है। आगे का भाव क्या है? मैंने असंख्य अपराध किए हैं। श्री रामकृष्ण इस चीज को अच्छा नहीं पड़ते। श्री रामकृष्ण कभी यह भाव उनको अच्छा नहीं लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति, कोई व्यक्ति यही कहे कि मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, मैं अधम हूं, पापी हूं, मैं घृणित हूं। श्री रामकृष्ण इस चीज को नहीं चाहते थे। मैं ज्ञानहीन हूं, ठीक है। श्री रामकृष्ण स्वयं भजन करते हुए प्रार्थना करते हैं, मैं ज्ञानहीन हूं, भक्तिहीन हूं, पापी नहीं कहते। मैं शरणागत होता हूं प्रभु, मैं ज्ञानहीन हूं, मैं भक्तिहीन हूं, शरणागत आता हूं। मैं माया में मोहित हुआ व्यर्थ भटक फिर रहा हूं, यह भी बात श्री रामकृष्ण नहीं कहते थे। लेकिन बछड़ा खो जाने पर गाय की जो दशा होती है वही मेरी दशा भी है। श्री राम कृष्ण ये कहते थे कि मां का बच्चे के प्रति प्रेम, पति का पत्नी का, एक स्त्री का एक पति के पति अपने पति के प्रति प्रेम और एक धनी का धन के प्रति प्रेम, इन तीनों प्रेमों को मिलाकर भगवान की तरफ करना, जो व्याकुलता बछड़े को खोके खो जाने पर मां की होती है, वैसी दशा भगवान के लिए होना चाहिए, यह तो अच्छा है। शरणागत होना यह भी अच्छा है। लेकिन श्री राम कृष्ण कहते हैं पिंजरे के पक्षी जैसी मेरी दशा हो रही है। श्री राम कृष्ण कहते हैं यह क्यों, अपने आप को पक्षी क्यों, अपने को बंधा हुआ क्यों समझे? वैसे श्री राम कृष्ण ने कई भाव दिए हैं, दृष्टांत दिए हैं, जिसके माध्यम से वे यह बताने का प्रयत्न करते हैं कि किस प्रकार से हमें भगवान के लिए व्याकुलता होनी चाहिए।
वे कहते हैं वो प्रसिद्ध दृष्टांत है, किसी गुरु ने शिष्य ने गुरु से पूछा कि कैसी स्थिति में भगवान का दर्शन हो। उन्होंने कहा चलो मेरे साथ। नदी में स्नान करने ले गए, जैसे डुबकी लगाई ऊपर से गुरु ने उनको दबा दिया और वो व्याकुल हो गया छटपट पानी के लिए। जब निकाला तब कहा कि कैसी स्थिति थी, कि छटपट कर रहा था मैं। वैसी स्थिति अगर भगवान के लिए हुए, यही बात कई अनेक प्रकार के दृष्टांतों के माध्यम से श्री राम कृष्ण बताते हैं कैसे व्याकुलता हमें भगवान के लिए होनी चाहिए। और कहते कहते भावावेश में आ गए, शरीर मन सब स्थिर हैं, आंखों से धारा बह चली है। कुछ देर बाद कहते हैं ये एक भाव। अब श्री रामकृष्ण का भाव आध्यात्मिक भाव परिवर्तित हो रहा है। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं माँ माँ जगदम्बा से प्रार्थना, क्योंकि ये गाना माँ तारा भगवती माँ को संबोधित करते हुए कहा था, माँ सीता की तरह कर दो। बिल्कुल सब कुछ भूल गई, अपने शरीर का भी अंग नहीं, किसी की चिंता नहीं, केवल राम राम की चिंता। श्री रामकृष्ण कहते थे ज्ञानी के दो लक्षण होते हैं, एक जगत भूल जाता है, दूसरा अपना शरीर जो इतना प्रिय है उसको भूल जाता है। और सीता की भी यही दशा हुई थी, वे अपने सारे शरीर को भूल गई, अपना स्वभाव ही जानती नहीं, कौन है कहाँ। ये एक अत्यंत उच्च कोटि की स्थिति है। भक्ति शास्त्र में कई प्रकार की व्याकुलताएं और कई प्रकार के जिसे कहते हैं एब्सॉर्प्शन, मन का पूरी तरह लगना, इसके कई प्रकार से वर्णन किए गए हैं। विरह में भी तीव्र एकाग्रता होती है, भगवान के मिलन में भी, भगवान के ध्यान में भी, आनंद की अनुभूति में भी ऐसी स्थिति होती है जबकि शरीर का पूरा लोप हो जाता है। और भगवान के विरह में भी ऐसी स्थिति होती है कि जब देह का पूरी तरह विलोप हो जाता है, देह का पूर्ण तरह विस्मरण हो जाता है। कोई व्यक्ति भगवान का अत्यंत प्रेमी हो, भगवान का ध्यान करके खूब आनंद आता है और आनंद में विभोर होकर वह अपने शरीर को पूरी तरह भूल जाए। और कोई विरह में, वर्णन आता है कि गोपियों का वर्णन आता है कि जो गोपियां जब भगवान का ध्यान करती थी तो अत्यंत आनंद का अनुभव होता था, और इस आनंद के अनुभव के कारण उनके जो पुण्य कर्म थे वह नष्ट हो गए। याद रखिए, हम शुभ जो कर्म करते हैं, पुण्य कर्म किया, दान धर्म किया, संयम किया, इनसे हमारा पुण्य होता है, और पुण्य का फल है सुख की प्राप्ति। जो भक्त है वो जब तीव्र भगवान का भजन करते हैं उसमें परम आनंद का अनुभव करता है, ध्यान होता है, और उसमें जो सुख मिलता है उससे उनके जो पुण्य है वो नष्ट हो जाते हैं। और पाप कैसे नष्ट हो जाते हैं, भगवान के विरह के कारण। गोपियों को भगवान का जब विरह हुआ तो तीव्र वेदना हुई, और इस तीव्र वेदना से उनके पाप कर्म नष्ट हुए। जैन धर्म में पाप कर्म को नाश करने के संबंध में एक विशेष धारणा है। वो कहते हैं तपस्या के द्वारा, उपवास आदि के द्वारा, कई प्रकार की तपस्याएं हैं, काया क्लेश शरीर को देना, रात्रि जागरण करना, जमीन और उपवास इत्यादि करना, इन सब के कारण जो हम कष्ट सहन करते हैं उसके द्वारा हमारे पहले जन्म के जो पाप कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं। कुछ कुछ संत लोग जब अपने शरीर में बीमारी आती है, कैंसर आया, बीमारी आई, वो कहते हैं अच्छा है, क्यों, मेरे पाप नष्ट हो रहे, पाप कर्म नष्ट हो जाते। हम लोग हमारे जीवन में जब दुख आता है तो उसको बचने के लिए हम बहुत सारा प्रयत्न करते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक चिंतन संपन्न व्यक्ति है, आध्यात्मिक विचारधारा जिनकी है, वो उसमें प्रसन्न होते हैं, अरे अच्छा है तो दुख आए तो अच्छा ही है ना, हमारे पूरे पुराने जन्म के कई जन्मों के पाप जो है वो धीरे धीरे कष्ट कष्ट कट रहे। तो यहां पर सीता की बात का, सीता के भाव का वर्णन करते हुए कहा गया है कि सीता भगवान के विरह में निरंतर भगवान का स्मरण कर रही है, भगवान का चिंतन में ऐसी विभोर हो गई है कि शरीर की उन्हें सुध नहीं रही। ये एक उच्च कोटि की मनस्थिति की बात है। स्वामी विवेकानंद जब ध्यान करते थे शरीर का बोध पूरी तरह चला जाता था।
बैठे हुए हैं, शरीर सारा शरीर मच्छरों से भर गया है, लेकिन ध्यान में उन्हें शरीर का बोध ही नहीं। श्री रामकृष्ण एक बार शरीर ध्यान में थे, समाधि में हो गए थे, उसमें गिर गए थे, उनका हाथ जल गया था। तो ये तो बहुत बड़े उच्च कोटि के महापुरुष लोग होते हैं, ऐसा तन्मयता होवे तब तो आध्यात्मिक जीवन की सार्थकता। अन्यथा हमारा जीवन जो है ये तो थोड़ा सा सब कुछ कर रहे हैं, संसार भी कर रहे हैं और थोड़ा सा भगवान का भजन भी कर लिया। लेकिन यहां पर इन दो एक बातों में भगवान श्री राम कृष्ण बता रहे हैं कि हमारी मनस्थिति कैसी होना चाहिए, व्याकुलता कैसी होनी चाहिए। या तो पिंजरे में बंधे पंछी की तरह होवे, या फिर बछड़ा खो जाने पर गाय की जैसी स्थिति हो वैसी होवे, या फिर सीता जैसी होवे कि शरीर की पूरी सुदबुद नहीं रहे, एक अद्भुत स्थिति। ये चीजें इनके ऊपर गहरा ध्यान करना चाहिए कि जिससे हम इनको अपने जीवन में डाल सकें। किस तरह व्याकुल होने पर ईश्वर का लाभ होता है, मणि को इसकी शिक्षा देने के लिए ही मानो श्री राम कृष्ण ने के मन में सीता का उद्दीपन हुआ था। सीता राममय जीविता थी, श्री रामचंद्र जी की चिंता में ही वे पागल होती थी, इतनी प्रिय वस्तु जो देह है उसे भी भूल गई। यहां तक हमने पाठ किया था। दिन के तीसरे पहर के 4 बजे का समय है, दोपहर हो गया। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ उसी कमरे में बैठे हुए हैं। जनाई के मुखर्जी बाबू आए हैं, एक भक्त आए हैं। ये श्री प्राण कृष्ण के आत्मीय हैं। श्री राम प्राण कृष्ण एक ब्राह्मण थे, श्री राम कृष्ण के भक्त थे और वेदांत विचार करते थे। बूढ़ा मोटा ब्राह्मण मोटे थे, वो स्थूल काय थे, उसे इस प्रकार से कहते थे। श्री राम कृष्ण पर मजाक भी किया करते थे, वो अद्वैत वेदांती थे। वो कहते थे कि मैं आकाशवत हूं, ख ख यानी आकाश, मैं खवत आकाशवत हूं, जिसे आत्मा आकाशवत सर्वव्यापी। तो वेदांत विचार में ये चिंतन किया जाता है, आकाश का चिंतन कीजिए, ये सोचिए कि आप मानो एक पक्षी हैं उसमें उड़ रहे हैं, या ये सोचिए कि हम ही आप आकाश में आकाश की तरह हैं, खवत। श्री राम कृष्ण भी मजाक करते थे, बातचीत करते थे उनसे। एक बार उनके श्री राम कृष्ण उनके घर पे गए थे, देखे वो प्राण कृष्ण बहुत उदास होकर बैठे हुए हैं। क्या बात हुआ? देखे टैक्स वाले आए थे, टैक्स देना था, वो मकान का टैक्स होता है, टैक्स वाले दे थे कि नहीं टैक्स दोगे तो घर को आपको जब्त करके और नीलाम कर देंगे। तो उदास बैठे हुए हैं। श्री राम कृष्ण ने हंसते हुए कहा, अरे तुम तो ख हो, ख तुमको थोड़ी कुछ करेंगे, तुमको थोड़ी कुछ जेल में डाल सकते हैं, तुम तो आकाश हो। तो ऐसा करते थे। फिर वो प्राण कृष्ण थोड़े से स्थूल काय थे, तो उसमें भी मजाक होती थी। वो कहते थे कि ये जब वो नृत्य, उन्होंने भी नृत्य किया, तो श्री राम कृष्ण ने कहा कि अरे एक बार गांव में जयराम बाटी कामार पुकुर में नृत्य हुआ था, और एक बड़े मोटे गोस्वामी थे, ऊपर की छत के ऊपर नृत्य कर रहे थे, कच्चे मकान थे, जोर से वो नृत्य किया तो छत खुद फूट गई थी, वो नीचे आ गए थे। इस प्रकार से ये प्राण कृष्ण के साथ श्री राम कृष्ण मजाक भी करते थे, प्रेम भी करते थे, और वे श्री राम कृष्ण को अत्यंत स्नेह और आदर की दृष्टि से देखते थे। इन्हीं के एक मित्र हैं, ये मुखर्जी आए हैं, उनके आत्मीय हैं, उनके रिलेटिव हैं, और साथ में एक शास्त्रज्ञ ब्राह्म मित्र हैं, उनके साथ में ब्राह्म समाज जो केशव चंद्र सेन जिसके नेता थे, और वे लोग ये मानते थे कि एक ब्रह्म ही सत्य है और ब्रह्म जो है वो निर्गुण निराकार है। वो एक प्रकार से उन्होंने हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी को मिलाकर एक प्रकार का एक संप्रदाय बनाया था। आप जानते होंगे कई लोग यहां पर है कि नहीं, लेकिन उस जमाने में कई जगह पर ये ब्राह्म समाज था। मैं जानता हूं मेरे पूर्वाश्रम में इंदौर में ब्राह्म समाज वहां पर था। एक हम जाते थे तो रोड के ऊपर एक मंदिर बना हुआ था उनका, एक कह सकते हैं प्रार्थना गृह इत्यादि बना था। इसके साथ साथ मणि तो है ही, राखाल श्री राम कृष्ण के शिष्य जो आगे ब्रह्मानंद जी हुए, लाटू जो स्वामी तुरियानंद जी हुए, अद्भुतानंद हुए, हरीश ये भी आगे चल के संन्यासी हुए, योगेंद्र, इनका योगेंद्र का पहली बार नाम आया है,
ये आगे चलकर स्वामी योगानंद हुए। योगेंद्र दक्षिणेश्वर के सावर्ण चौधरियों के यहाँ के हैं। सावर्ण, सावर्ण यानी कुछ एक प्रकार के वो होते हैं, और एक वैष्णव लोग संभवतः जो बिजनेस करते हैं सोने चांदी का, उसमें होंगे। आजकल ये प्राय रोज दिन ढलने पर श्री रामकृष्ण के दर्शन करने आते हैं और रात को चले जाते हैं। योगिंद्र ने अभी विवाह नहीं किया है। ये बड़े कोमल स्वभाव के थे। रामकृष्ण मिशन के जितने सन्यासी हुए हैं उनमें इन योगिंद्र को ईश्वर कोटि माना जाता है। और इनका सबसे पहले, ही वॉज द फर्स्ट टू डाई, इनका सबसे पहले देह त्याग हुआ। जितने श्री राम कृष्ण के 16 सन्यासी शिष्य थे उनमें सबसे पहले इन्हीं का शिष्य हुआ। लेकिन ये एक विशिष्ट सन्यासी थे, स्वामी विवेकानंद को बहुत प्यार करते थे। और अभी उन्होंने विवाह नहीं किया, लेकिन कोमल स्वभाव थे। अपनी माँ के आग्रह के कारण, माँ के आग्रह के कारण उनको विवाह करना पड़ा था। उसके बाद में काफी पछताए थे, लेकिन उन्होंने उसके बाद में सांसारिक जीवन कभी व्यतीत नहीं किया था। मुखर्जी ने प्रणाम करके कहा, आपके दर्शन से आज बड़ा आनंद हुआ। श्री राम कृष्ण कहते हैं, वे सभी के भीतर हैं, वही सोना सबके भीतर है, कहीं प्रकाश अधिक है। संसार में उस सोने पर बहुत मिट्टी पड़ी रहती है। ये भगवान सोना है ना, भगवान हम सभी के भीतर विद्यमान। आज का जो विषय है बड़ा सुंदर विषय है, अभी हम देखेंगे, बहुत सुंदर विषय। पिछली बार में तो अधिक नहीं था, लेकिन यहां पर बड़ा सुंदर विषय है। कहते हैं कि संसार सभी के भीतर सोना है, सोना भगवान सबके भीतर विद्यमान। अब ये सोने का अर्थ ये भी हो सकता है कि सभी के भीतर ग्रेटनेस, महानता, सद्गुण है, ये भी ले सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जो कहते थे, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, प्रत्येक आत्मा में ब्रह्म विद्यमान है, पोटेंशियलिटी है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द पोटेंशियलिटी विद इन अस, रिलीजन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी विद इन अस। वो डिविनिटी, पोटेंशियलिटी, ये सभी के भीतर विद्यमान, कहीं पर ज्यादा प्रकट है, कहीं पर कम प्रकट। और उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य, धर्म का उद्देश्य यह है, इसके ऊपर जो मिट्टी पड़ी हुई है, ये सोना जो दबा हुआ है, उसी को हटाना, बस और कुछ नहीं। शिक्षा का भी उद्देश्य स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि तुम उसकी मदद नहीं करते, कितनी ही मदद करते हो कि बच्चा है उसमें महानता विद्यमान है, देवत्व विद्यमान है, क्षमताएं विद्यमान है, उसके भीतर की जो आगे की बाधाएं हैं उनको दूर कर दो, उसके भीतर से अपने आप व्यक्त। ये विशेषता स्वामी विवेकानंद की है, श्री रामकृष्ण से उन्होंने सीखी। यहां पर भी कहते हैं कि सोना सभी के भीतर है, कहीं प्रकाश अधिक है, संसार में उस सोने पर बहुत मिट्टी पड़ी रहती है। संसार में मिट्टी पड़ी रहती है, संतों में वो मिट्टी बहुत कम होती है, इसलिए सोना अधिक दिखाई देता है। अब ये मुखर्जी एक प्रश्न करते, बड़ा सुंदर प्रश्न है, महाराज ऐहिक और पारमार्थिक में अंतर क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न। श्री रामकृष्ण वचनामृत में हम कई प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न देखते हैं। कभी कभी हमने देखा था, एक चैप्टर था उसमें एक सज्जन थे, वो इतने अच्छे अच्छे प्रश्न एक के बाद एक किए जा रहे थे श्री रामकृष्ण की, देखकर सुनकर हमको आनंद आता। मास्टर महाशय ने भी अच्छे प्रश्न किए थे, स्वामी विवेकानंद भी अच्छे प्रश्न करते थे। और ये प्रश्न करना व्यक्ति के भीतर की जो उनके भीतर जो ज्ञान है उसको निकालने का एक बहुत अच्छा उपाय। तो इन्होंने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, ऐहिक यानी सांसारिक, इस संसार, यह लोक परलोक, तो यह लोक की जो वस्तु है उसका, और पारमार्थिक, पारलौकिक नहीं कहा, यह लोक और परलोक अगर हम कहें तो इसमें होगा यह संसार जो हमें दिखाई देता है, और परलोक, परलोक होगा स्वर्ग, नरक भी परलोक हो, और स्वर्ग कई प्रकार के स्वर्ग हैं, वो सब आ जाएंगे। इहलोक और परलोक एक
कैटेगरी में ऐसे पूछा है। पारमार्थिक जब बोला तब हम कहेंगे ट्रांसेंडेंटल स्पिरिचुअल। इंग्लिश में बोले तो इसका अर्थ होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअल, बिटवीन सेक्युलर एंड सेक्रेट, बिटवीन स्पिरिचुअल एंड सेक्युलर, वर्ल्डली एंड स्पिरिचुअल। परमार्थ भगवान से संबंधित जो बात है उसमें और संसार से संबंधित जो बात है उसमें क्या अंतर है? ये तो स्पष्ट लगता है, फिर प्रश्न क्यों पूछा? भाव है। क्या सचमुच पारमार्थिक और सांसारिक इसमें अंतर है? एक बार स्वामी ब्रह्मानंद जी, रामकृष्ण मिशन के फर्स्ट प्रेसिडेंट, ये राखाल जिनकी बात हुई, श्री रामकृष्ण के शिष्य जिनको मानस पुत्र कहा जाता है श्री रामकृष्ण का, वॉज ए स्पिरिचुअल जायंट वेरी हाई। स्वामी विवेकानंद तो यहां तक कहते हैं कि वो मेरे से भी आगे है, यानी वो अपने महानता बता रहे हैं। वो कहते हैं अपने शिष्यों से कहते थे कि जाओ बेलूर मठ जाओ, वहां पे देर इज ए डायनमो ऑफ स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी का एक डायनमो वहां विद्यमान है। वो स्वामी ब्रह्मानंद से एक बार बातचीत हो रही थी, ब्रह्मानंद जी थे, उनके शिष्य स्वामी प्रभवानंद जी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, कुछ पुस्तकें बड़ी सुंदर लिखी है उन्होंने, एक पुस्तक है इटर्नल कंपेनियन स्पिरिचुअल टीचिंग्स ऑफ स्वामी ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद जी की जीवनी है और उसके बाद उसकी स्पिरिचुअल टीचिंग्स हैं। वो पुस्तक जिन लोगों ने श्री रामकृष्ण वचनामृत पढ़ा है उनको अवश्य पढ़नी चाहिए, नेक्स्ट बुक रिकमेंडेड इज दैट, जो साधना करते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बुक। और दूसरी एक किताब उन्होंने लिखी है स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑफ इंडिया, वह भी बहुत अच्छी किताब। उनकी अपनी लेखनी और उनका लिखने का ढंग इतना सरल और हृदय स्पर्शी था। वो स्वामी ब्रह्मानंद जी के सेवक थे, पर्सनल अटेंडेंट थे, और एक दिन किसी दूसरे गृहस्थ ब्रह्मचारी के साथ या किसी के साथ में बातचीत हो रही थी, आध्यात्मिक चर्चा हो रही थी। हमारे जैसा नहीं कि हम जब मिले तो उल्टी पुल्टी संसार की बातें होती है, नहीं, संसार की बातें नहीं, आध्यात्मिक बातचीत। और बातचीत उठी गोपालेर मां की संबंध में, गोपाल की मां। ये एक संत थी, एक विधवा थी, जो बाल गोपाल, छोटा सा बालक गोपाल, बाल गोपाल को उन्होंने उनकी पूजा करती थी, और करते करते बाल गोपाल जागृत हो गए थे। वो बाल गोपाल उनके साथ घूमते थे, खाते थे, रोते थे, उनके कंधे पर चढ़ते थे, खेलते थे, ऐसे हो गए थे स्थिति। और श्री राम कृष्ण उनको अच्छी तरह जानते थे। श्री राम कृष्ण ने तो यहां तक कहा था कि तुमने हाईएस्ट स्थिति अवस्था तुमने प्राप्त कर ली है। तो ये एक बार उनकी चर्चा चली, और स्वामी प्रभवानंद जी ने बात बात में कहा कि उनको जो भाव होते थे वो आंखें खुली आंखों में नहीं होते होंगे, उनको जो दर्शन होते होंगे खुली आंखों में नहीं होते होंगे, वो होते होंगे भाव में, मनी मन। इट वॉज, मैंने जैसे कहते ना कि ये मेंटल एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल, मानसिक, आंखों से देखने का नहीं, मन के दर्शन, भाव में दर्शन। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने सुन लिया, ब्रह्मानंद जी ने सुन लिया और कहा कमेंट करते हुए, ओहो तुम तो सर्वज्ञ हो गए ना, सब जानने लग गए। कहा तुम तो सब जानते हो। उन्होंने कहा कि हाँ महाराज, तो उन्होंने समझ गए कि ब्रह्मानंद जी ने ऑब्जेक्ट किया है इस पॉइंट को, उसके ऊपर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि पर महाराज कैसे हो सकता है, ये आंखें खोल कर कैसे उसको दिखेगा कि ये बाल गोपाल है? ब्रह्मानंद जी ने एक कमेंट किया इंग्लिश में, शो मी द लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन माइंड एंड मैटर। वह लाइन बताइए कि ये मैटर है, स्थूल पदार्थ है, और ये मन है, उसके भीतर की लाइन बताइए। और आज भौतिक विज्ञान भी बता रहा है, वो जानता नहीं कि माइंड और मैटर के बीच में लाइन कहां है।
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स भी गायब हो गए, एनर्जी रह गई। और उसके बाद में वो ये कहते हैं कि यह जो एनर्जी इत्यादि है, जो भी हम बोल रहे हैं वो ऑब्जर्वर के मन के द्वारा प्रभावित होता है। ब्रह्मानंद जी ने ये बात कही। तात्पर्य क्या है? ऐहिक और पारमार्थिक का लाइन ऑफ डिमार्केशन क्या है? किसे हम सांसारिक कहेंगे और किसे आध्यात्मिक कहेंगे? ये तो मैंने दार्शनिक दृष्टि से, तात्विक दृष्टि से बताने का प्रयत्न किया, ब्रह्मानंद जी और माधव अपने प्रभुवानंद जी के वार्तालाप के माध्यम से। लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टि से क्या होगा? वो तो तात्विक दृष्टि से बात हुई। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हम देखते हैं श्री रामकृष्ण क्या उत्तर देते। श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं? साधना के समय नेति नेति करके त्याग करना पड़ता है, उन्हें पा लेने पर समझ में आता है सब कुछ वही हुए। पहले विचार के द्वारा यह बात करनी पड़ती है कि यह ऐहिक है, यह सांसारिक है, इससे भगवान का कुछ लेना देना नहीं, पारमार्थिक या नहीं। यह भगवान नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है, यह पारमार्थिक नहीं है, यह ऐहिक है, यह सांसारिक है। हमारा शरीर यह भी सांसारिक है, जितनी चीजों का हम अनुभव करते हैं सब सांसारिक। हमारे मन बुद्धि यह भी भगवान नहीं है, पारमार्थिक नहीं। करते 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 उसके बाद में क्या होगा? उन्हें पा लेने पर जब विचार करके किसी भी प्रक्रिया से अभ्यास और वैराग्य, वैराग्य के द्वारा संसार का त्याग करते करते ये संसार से हमें छूटना है, भगवान में मन लगाना है, इसलिए वैराग्य की आवश्यकता है। वैराग्य यानी हम संसार से मोह नहीं करते, संसारी किसी वस्तु से मोह नहीं करते, भोग से वह नहीं करते। सब करते करते जब हम एक बार भगवान का संस्पर्श प्राप्त कर लेंगे, उन्हें पा लेने के बाद समझ में आता है कि सब कुछ वही हुए हैं, उसके बाद ऐहिक और पारमार्थिक के भीतर का अंतर नहीं रह जाता। श्री रामकृष्ण दृष्टांत देते थे, छत पर जाना है, सीढ़ी पर पैर रखा, क्या है सीढ़ी छत है कि नहीं? आगे चले, दूसरी सीढ़ी छत है? नहीं। आखिरी सीढ़ी चढ़े वो छत है? नहीं। जब छत में पहुंच गए, यह छत है। सीढ़ियों को हमने कहा नहीं नहीं नहीं, छत पर पहुंच गए। अब श्री राम कृष्ण दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि यह छत किसी बनी हुई है? ये ईंट, चूना, सीमेंट इत्यादि की बनी हुई है। और ये सीढ़ियां किसकी बनी हुई है? ये ईंट, सीमेंट, चूना इत्यादि की बनी, दोनों एक। जब एक बार विचार के द्वारा संसार को त्याग करके हमने भगवान का साक्षात्कार कर लिया, उसके बाद श्री रामकृष्ण कहते हैं कि संसार वही भगवान बनकर, वही भगवान संसार बना हुआ। जब श्री रामचंद्र को वैराग्य हुआ तब दशरथ को बड़ी चिंता हुई। यह बात मैं कई बार आप लोगों को कह चुका हूं, जो लोग नियमित रूप से यहां प्रवचन अटेंड करते हैं ये कहानी जानते हैं। एक बार वन गमन के पहले भगवान राम को वैराग्य हो गया था, वो तीर्थ यात्रा पर गए थे। तीर्थ यात्रा में तीर्थों के सत्संग से, तीर्थों में संतों के सत्संग से, वहां के स्पिरिचुअल वाइब्रेशन से उन पर प्रभाव पड़ा और उनका मन में वैराग्य हो गया। जब वैराग्य हुआ दशरथ को बड़ी चिंता हुई, वे वशिष्ठ जी के शरण में गए। उन्होंने कहा वशिष्ठ जी से, और कहना कथा दूसरे प्रकार की है, ये योग वाशिष्ठ में कहानी आती है, योग वाशिष्ठ रामायण, रामायण कई हैं, वाल्मीकि रामायण है, रामचरितमानस है, अध्यात्म रामायण है, योग वाशिष्ठ रामायण भिन्न प्रकार की रामायण है। इसमें भगवान राम की पूरी लीला का वर्णन नहीं है, प्रारंभ में उनके वैराग्य का वर्णन है और उसमें उसका नाम है वैराग्य प्रकरण, जिसमें भगवान राम वैराग्य का वर्णन करते हैं, जगत के अनित्य तत्व का वर्णन करते हैं इत्यादि इत्यादि। उसके बाद में वशिष्ठ जी उनको उपदेश देते हैं।
और उपदेश देते हुए कहते हैं वही है योग वाशिष्ठ। बड़ा मजेदार ग्रंथ है, कहानियों के द्वारा बताया गया है कि यह जो जगत है सब इज ऑल दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ द माइंड, मन के द्वारा प्रक्षिप्त है, बाहर कुछ है नहीं। हम उसको महत्व देते हैं। स्वामी विवेकानंद ने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया। योग वाशिष्ठ तो कहता है कि जब अजातवाद, बाहर कुछ जगत है ही नहीं, सब मन में ही है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, थोड़ा सा अंतर करते हुए कहते हैं कि इस जगत में दो चीजें हैं, एक तो कुछ है बाहर और दूसरा मेरा मन। जो बाहर है वह एक्स और मेरा माइंड वाई। जगत क्या है? एक्स प्लस वाई। और मन अगर एक बार हमारा पूरी तरह शांत हो जावे तो जगत भी विलुप्त हो जाएगा। दैट इज द प्रोसेस। तब पता चलेगा कि जगत जो हमारे मन के बाहर कुछ नहीं, और जगत जो मन में है ये आप स्वप्न में देखते हैं, स्वप्न में ठीक जैसा दिखेगा बाहर जैसा, वही अनुभव। जब स्वप्न में मिठाई खाएंगे तो ठीक ठीक मीठी लगेगी, बाहर खाने वाली मिठाई से किसी तरह से कम मीठी नहीं लगेगी। तो बाहर का जो जगत है वो मन में ही है, यह वेदांत कहता है। वशिष्ठ जी ने यहां श्री रामकृष्ण के अनुसार क्या कहा? वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी के पास में जाकर देखा, वे विनस विमनस्क हुए बैठे हैं, उदास बैठे हुए हैं, तीव्र वैराग्य हुआ। याद रखिए, ये वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं होता। मैं कई बार कह चुका हूं यहां पर, वैराग्य से हमें घबराना नहीं चाहिए। अगर जीवन में बहुत सबसे बड़ा कोई अगर वरदान हो सकता है वह है व्यक्ति को वैराग्य हो। वैराग्य में आसक्ति टूट जाती है, मन जो है वह फ्री हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, स्वाधीन हो जाता है, बंधनों से मुक्त हो जाता है, और ऐसा मन ज्ञान को ग्रहण करने में समर्थ होता है। देखा तीव्र वैराग्य भरा हुआ है। वशिष्ठ जी ने कहा, राम तुम संसार का त्याग क्यों करोगे? तुम क्या त्याग करना चाहते हो? मुझसे बात करो, तुम त्याग क्यों करोगे? अगर यह बात है कि अगर संसार भगवान से अलग है तो त्याग करो, लेकिन अगर संसार और भगवान एक है तो त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं। संसार क्या कोई उनसे अलग वस्तु है? मेरे साथ विचार करो। राम ने देखा, संसार भी उसी परब्रह्म से हुआ है, इसलिए चुप बैठे रहे। फिर संन्यास नहीं लिया, संसार में रहे, ज्ञान और वैराग्य में प्रतिष्ठित होकर भगवान राम ने सारी लीला की थी। रावण को मारा था लेकिन मनी मन पूर्ण रूप से ज्ञान में प्रतिष्ठित थे। सीता के लिए विलाप किया था, खूब रोए थे, हासिते हासिते, लेकिन पूर्ण रूप से ज्ञान में प्रतिष्ठित थे। ये नाटक बेस्ट प्ले। ये जो अवतारी पुरुष होते हैं, महापुरुष जो ज्ञान में प्रतिष्ठित हैं, वो अपने वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्यों को पूरी तरह निभाते हैं, लेकिन जानते हैं कि ये सब मिथ्या है, या यूं कहिए कि सब भगवान। पूर्ण ज्ञान में प्रतिष्ठित होकर वर्णाश्रम धर्म को निभाते हैं। और भगवान गीता में भी यही कहते हैं, ये कहते हैं कि ज्ञानी को उसी तरह आचरण करना चाहिए जैसे अज्ञानी का आचरण करता है, उन अज्ञानियों को मार्ग दिखाने के लिए। ज्ञानी चाहे तो त्याग कर सकता है, उसको संसार में रहने की आवश्यकता रहे न रहे उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोक शिक्षण के लिए जैसा वह करेगा वैसे संसार के लोग करेंगे। भगवान कहते हैं कि मेरे लिए करना न करना कुछ नहीं है। न मे पार्थास्ते कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, तीनों लोकों में मेरे को कोई कर्तव्य नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूं जिससे लोग मुझे देखकर कर्म करें। अगर मैं कर्म छोड़ दूंगा तो देखेंगे भगवान ने तो कर्म छोड़ दिया, हम भी कर्म छोड़ दें, और उसके बाद में सारा संसार का जो व्यवस्था है, ढांचा, वो नष्ट हो जाएगा। क्यों? जो लोग छोड़ रहे हैं वो जानते नहीं है, वो अधिकारी नहीं है, वो ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं है,
वो छोड़ देंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए भगवान राम ने ज्ञान में प्रतिष्ठित होकर सारी लीला की। अब श्री राम कृष्ण और बताते हैं ऐहिक और पारमार्थिक का अंतर। जैसे जिस चीज से मट्ठा होता है उसी से मक्खन भी होता है, मठे के अंदर ही मक्खन रहता, अतएव मठे का ही मक्खन और मक्खन का ही मठा कहना चाहिए। यह संसार का ही ब्रह्म है और ब्रह्म का ही संसार। ये जो संसार है यह मानव मठा है और इसमें ओतप्रोत मक्खन पड़ा हुआ है। आप लोग वो कहानी जानते हैं ना, मैंने सुनाई है एक बार, बीरबल की लड़की की कहानी नहीं सुनाई? एक बार बीरबल को अकबर ने पूछा कि अच्छा तुम तो हिंदू हो, बताओ तुम्हारे हिंदू लोगों के हिंदुओं के अनुसार भगवान है क्या? भगवान है तो कहां है, भगवान है कहां है और क्या करता है, और मुझको ठीक ठीक समझाना बताना पड़े। बीरबल बड़े बुद्धिमान थे कि राजा तो अगर राजा ने मान लिया वो नहीं समझना चाहेंगे तो वो समझेंगे नहीं। याद रखिए राजलोक ऐसे होते थे ना, वो आप जितना ही बताने की कोशिश करो वो उसमें कुछ निकल, हमको समझ में नहीं आया, हमको समझ में नहीं आया, क्या बोलते हो, कैसे बोलते हो, समझ में नहीं आया। बीरबल उदास हो गए, उनकी छोटी सी बच्ची थी 5-7 बरस की, उनका बाबूजी आप क्यों उदास दिख रहे हो, क्या बात है? तो कह रहे बेटी छोड़ दे, नहीं नहीं बोलो ना, बोलो ना, क्या बात है? तो जानते थे कि अच्छी है, समझदार है। ठीक है बेटा, और बादशाह ने एक प्रश्न पूछा है मेरे से, मैं सोच रहा हूं कैसे जवाब दूं इसको। तो कोई इतनी सी बात के लिए क्यों उदास हो रहे हो आप, मैं कल चले जाते हैं आपके बदले, आप मत जाना। ठीक है, चली गई, उनको बोल दिया, उन्होंने मैसेज भेज दिया कि आपका प्रश्न का उत्तर मेरी कन्या दे देगी। ठीक है, अपने गेंद लिया, खेलती खेलती चली गई, और उसको जो मैसेज मिल गया था तो चला गया राजा के वहां मंदिर दरबार में, चली गई, राजा को नमस्ते किया, भाषा सलामत सलाम किया, मैं अकबर की बेटी हूं, लड़की हूं, मेरा नाम ये है। अच्छा बेटे क्या हुआ, आपका कुछ प्रश्न है ना? देखिए हाँ, क्या प्रश्न है बताइए, लेकिन पहले बताइए कि जो प्रश्न करता है वो बड़ा होता है कि जो उत्तर देता है वो बड़ा होता है? तो क्या जो उत्तर देता है वो तो बड़ा होता है, तो क्या आप उतरिए मैं बैठूंगा। तो राजा हंस दिए, मुस्कुरा दिए कि लड़की तेज है। अच्छा राजा बेटा, बेटा सिंहासन पे नीचे आए राजा, अब वो बैठ गया। अच्छा आप बताइए आपका क्या प्रश्न है, ऐसा उसने कहा, आप बताइए आपका क्या प्रश्न, कि बताओ। भगवान है, सोचा उसने, फिर कहा और प्रश्न, अगर है तो कहां है, और तीसरा क्या करता है। कि उसने कहा पहले तो मेरे को थोड़ा सा भूख लगी है, दूध दो। दूध आ गया वो कटोरे में, अब कटोरे में दूध लेके वो उंगली से उसको खिलाने लगे। क्या कर रही है बेटी? अच्छा ये बताइए इसमें मक्खन है? मक्खन तो है, निकलता क्यों नहीं? तो बेटा ऐसे थोड़ी निकलेगा, उसको मक्खन जमाना पड़ेगा, मठा बनाना पड़ेगा, मथना पड़ेगा, उसके बाद निकलेगा। उसने कहा अच्छा आपके प्रश्न का उत्तर हो गया? राजा को समझ में नहीं आई, कैसे? कहती है कि जिस प्रकार इसमें मक्खन है दिखता नहीं है, उन्हें यही प्रश्न था कि भगवान है तो कहां है, दिखता क्यों नहीं है। जिस प्रकार मक्खन इसमें है लेकिन दिखता नहीं है, इस तरह भगवान है लेकिन दिखता नहीं है। जिस प्रकार भगवान मक्खन यहां सब पूरे दूध में है, वैसे भगवान सब में विद्यमान है। बड़ा खुश हुए राजा। तीसरा प्रश्न का उत्तर वो क्या कर रहा है? उसने मुझे ऊपर बिठा दिया, आपको नीचे कर दिया, ऊपर को नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचा करता है, ऐसा कह के दौड़ के भाग गई। तो श्री रामकृष्ण यही कहते हैं,
मक्खन रहने से मठा भी है, जहां मक्खन है वही मठा है, ब्रह्म है। इस ज्ञान के रहने से जीव जगत चतुर्विंशति तत्व भी है। एक बार हम उसको सेपरेट करते हैं। भगवान ने सातवें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग उपनिषद अपने भगवत गीता के ज्ञान विज्ञान योग में उन्होंने ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्षाम्य शेषतः, मुझे तुम ज्ञान और विज्ञान में जुथे स्पष्ट रूप से बताऊंगा, जिसको जानने के बाद तुझे कुछ भी जानना नहीं रहेगा। और फिर वो क्या कहते हैं, ज्ञान विज्ञान बनाते के पहले वो प्रारंभ करते हैं, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यम्ये विभिन्ना प्रकृति अष्टधा अपरेत्वमस्त भिन्ना जीव भिवताम पराम ये एदम धारियते जगत। दूसरे में वो कहते हैं कि अपरस्त्वम इतः अन्या, इससे भिन्न। पहले कहते हैं कि आठ प्रकार की प्रकृति है मेरी, भूमि वायु जल अग्नि आकाश पांच तत्व अग्नि और अहंकार अहंकारम इति यम मन बुद्धि अहंकार, ये आठ प्रकार की प्रकृति। भगवान कहते हैं कि ये क्या है, ये है निम्न प्रकृति, अपरा प्रकृति। परा प्रकृति है जो जीव के रूप में चैतन्य के रूप में विभक्त होकर विद्यमान। वही आठ प्रकृति, ये प्रकृति है और पुरुष चैतन्य, ये वेदांत सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति और पुरुष है। और ये प्रकृति से उसके बाद 24 तत्वों का की सृष्टि होती है, उसी को भगवान ने आठ तत्व का, श्री राम कृष्ण यहां पर कहते हैं ब्रह्म है। इस ज्ञान के रहने से जीव जगत चतुर्वंशति तत्व भी है। एक ब्रह्म है, उसके बाद जीव है, जगत है, और ये जगत 24 तत्वों का बना हुआ है। ये सांख्य के अनुसार, उसके विस्तार में जाऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाए, अलग अलग प्रकार से बताया है। एक प्रकृति है, उसमें तीन गुण मिले हुए हैं, और पुरुष जो है वो अलग है, वो चैतन्य है। प्रकृति और पुरुष जब निकट में आते हैं तो ये बैलेंस जो है सत्व रज तम तीन गुणों का विलग हो जाता है, उसमें अहं तत्व की उत्पत्ति होती है, उसके बाद महत तत्व होता है, उसके बाद पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। ये पंच महाभूत से उसके बाद में पंच ज्ञानेन्द्रियां पंच कर्मेंद्रियां पंच प्राण इत्यादि सब होते हैं, मन बुद्धि अहंकार होते हैं। इस प्रकार से 24 आइटम्स हो जाते हैं, उसी को भगवान ने यहां पर 8 आइटम बताए। कई कोई लोग 3 आइटम मानते हैं, कोई 15 मानते हैं। एलिमेंट्स जिसे कहा आपने, तत्व बता दिया। आजकल मॉडर्न साइंस क्या बोलता है, एलिमेंट्स कितने एलिमेंट्स होते हैं, 125-30 कितने होते हैं। अब जो भी आप कैटेगरी कर लीजिए, जगत जो बना है वो कितने तत्वों से बना हुआ है। लेकिन श्री रामकृष्ण महत्वपूर्ण बात कहते हैं, ब्रह्म है। इस ज्ञान से रहने से ये पता चलता है कि जीव जगत चतुर्वंशित तत्व वो सब उन्हीं से उत्पन्न हुए, और जो जिससे उत्पन्न होता है वह वही होता है। कैसे, ये टेबल किससे बनी है, लकड़ी से बनी है। जो लकड़ी और टेबल भिन्न है क्या, नहीं है। मिट्टी का घड़ा है तो घड़ा और मिट्टी क्या भिन्न है, होगी। कार्य और कारण एक होता है, ये फिलोसॉफिकली दृष्टि से होता है। यहां पर श्री राम कृष्ण तत्व ज्ञान की बात कर रहे हैं। जो ब्रह्म को एक बार जान लेता है उसको सर्वत्र फिर ब्रह्म ही दिखाई देता है। वो ये अनुलोम और विलोम नीति नीति करके छोड़िए, उसके बाद इति इति करके स्वीकार कीजिए। ब्रह्म क्या, उसके बाद श्री राम कृष्ण आगे कहते हैं, ब्रह्म क्या वस्तु है कोई मुंह से नहीं कह सकता। सब वस्तुएं झूठी हो गई हैं, अर्थात मुंह से कही जा चुकी हैं, परंतु ब्रह्म क्या है यह कोई मुंह से नहीं कह सका, इसलिए वह झूठा नहीं होता हुआ। यह बात मैंने विद्यासागर से कही थी, विद्यासागर सुनकर बड़े प्रसन्न हुए थे। बड़ी सुंदर ढंग से श्री राम कृष्ण ने कहा, जब पहली बार मैंने पढ़ा तो मुझे भी बड़ा अच्छा आनंद लगा। संसार की जितनी वस्तुएं हैं डिस्क्राइब कर दिया हमने, सबको वर्णन कर दिया, तो वो तो मुंह से लगती ना। जैसे हमने किसी चीज को, गिलास को पानी पिया
तो ये गिलास झूठा हो गया, पानी झूठा हो गया। अब उसके बाद में धो के उसके बाद में उसको उपयोग करेंगे। उसी प्रकार से जो चीज मुंह से स्पर्श होती है वो झूठा हो गया। जितना भी आप वर्णन करेंगे, किसी वस्तु को वर्णन करेंगे तो वस्तु झूठी हो गई, लेकिन ब्रह्म का वर्णन संभव नहीं होता। वो है क्या है, ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह अवांग मनस गोचर। क्या, यतः वाचो निवर्तन्ते, वाणी जो है वो निवर्तित हो जाती है, वापस आ जाती है ब्रह्म को वर्णन करने के लिए गई लेकिन वर्णन नहीं कर सकी। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य, मन को मन भी उसको प्राप्त नहीं कर सकता और वापस आ। ये केनो उपनिषद में बड़ा सुंदर वर्णन, उपनिषद में इसको कहानी के रूप में बताया गया है। क्या हुआ, देवता लोग दानवों के ऊपर, राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, बड़े खुश हो गए, हम लोगों ने विजय प्राप्त कर ली। अचानक उनको देखा बाहर अपने आकाश में एक यक्ष खड़ा हुआ है, बहुत बड़ा देवता खड़ा। अरे ये कौन है, इसको तो हमने कभी देखा नहीं, हम जितने दानवों को जानते हैं, विरोचन को जानते हैं, इस फलाने को सबको इनमें हरा दिया, हम तो जानते हैं उनको, ये कौन है, हमारे लोगों में से बीच में कोई नहीं है। इसको कहा कि क्या जाओ, कौन जाएगा। अग्नि ने कहा मैं जाके अभी उसको पता लगा के आता हूं, उसको था कि मैं अग्नि हूं, मैं जाके पता लगा लेता हूं ये कौन है। इंद्र ने कहा जाओ। अग्नि पहुंचा, वर्णन आता है बड़ी तेजी से भाग गया। तो यक्ष ने उससे पूछा, वो जाके यक्ष से पूछेगा, उसके पहले यक्ष से पूछते पूछा कि आप कौन है। अग्नि को बड़ा बुरा लगा, मेरे को नहीं जानते, अरे मैं अग्नि, सब जानते हैं मुझे, मेरा नाम अग्नि है, जात वेदा, जात वेद मैं सब जानता हूं, और आपकी विशेषता क्या है, सब चीजों को जला सकता हूं। अच्छा, एक तिनका रख दिया, इसको जलाइए, तिनका जलाइए। अग्नि ने कहा, हंस दिया पहले तो, फिर लगाया, जले ही नहीं, जले ही नहीं, उदास वापस आ गया। वायु, वायु तो बैठा था कि अग्नि से ईर्ष्या करता था, ये अग्नि हारेगा तब मैं जाऊंगा, गया ये तेजी से गया, जानते अग्नि जाएगी। देवता के पास गया, उस यक्ष ने पूछा आप कौन है, मेरे को नहीं जानते, नहीं मैं वायु। अच्छा, आपकी विशेषता क्या है, संसार की जितनी चीजें हैं सबको मैं उड़ा सकता हूं। तो साइक्लोन आते हैं, ये आते हैं, सबके सब उड़ा सकते। अच्छा है, तिनके को उड़ाइए, तिनके को नहीं उड़ा सकते। उदास होके वापस चला। अब इंद्र, बाद में इंद्र क्या हुआ, इंद्र वहां पहुंचा तो वो यक्ष गायब हो गया, उसके बदले एक देवी वहां पर प्रकट हुई। उस देवी को बोलते हैं उमा हैमवती, वो क्या है, ब्रह्म विद्या। मतलब क्या हुआ, ये जो देवताएं हैं ये हमारी इंद्रियां, याद रखिए हमारी इंद्रियों के देवता है, अधिष्ठाता देवता। आंख का देवता है अग्नि, वायु प्राण का देवता है, इत्यादि इत्यादि है। इंद्र हाथ का देवता है, इत्यादि इत्यादि है। तो ये भगवान, वो जो यक्ष है वो है ब्रह्म, ब्रह्म को ये नहीं पा सकते, ये बताने के लिए यहां यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह अवांग मनस गोचर, वाणी और मन से परे है परमात्मा, इसलिए उसको वाणी बोल नहीं सकती। श्री राम कृष्ण ने जब ये बात कही तो विद्यासागर बड़े प्रसन्न हुए, अरे वाह, जैसे मैंने कहा सुने तो बड़ा अच्छा लगता है, करे उसको झूठा नहीं हुआ, ढंग से बात कही। विषय बुद्धि का लेश रहते भी यह ब्रह्म ज्ञान नहीं होता,
कामनी कांचन का भाव जब मन से बिल्कुल न रहेगा तब होगा। अभी तो मैंने कहा अवांग मनस गोचर, और ये देवी जब वहां पर प्रकट हुई तो इंद्र बड़े उदास हुए कि मैं तो जानने आ जाया था, ये देवी आ गई। तब देवी ने कहा वो है ब्रह्म विद्या। उन्होंने कहा ब्रह्म विद्या के द्वारा तुम ब्रह्म को जानोगे, जो अपियर हुआ था वो ब्रह्म है, उसकी इच्छा से, उसकी कृपा से, उसकी शक्ति से तुम लोग जीते हो, ये मत समझना कि तुम जीते हो। ये इस प्रकार की कहानी है। केने शितम पतति प्रेषितम मन केन प्राण प्रेत युक्त केने शिताम वाच मिमाम वदंती चक्षुश्रोत्रम कौ देवो युनक्ति। जो पहला चैप्टर है केनो उपनिषद में, उसमें यह श्लोक पहला श्लोक है। किसके द्वारा प्रेरित प्रेरित होकर यह आंख देखती है, मन विचार करता है, प्राण अपना काम करता है, ये कौन है जो ये सारा काम करता है? इसको कहते हैं श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मचो यह। वो नेत्र का भी नेत्र है, मन का भी वन मन है, प्राण का भी प्राण है, उनको चलाने वाला है, वो उसको कैसे जानेंगे? लेकिन फिर भी कहते हैं यन मनसान मनुते इत्यादि, कहते हैं कि वो मन से वेदमाप्तव्यम नेहना नास्तिक, मन के द्वारा उसे जानना चाहिए। एक और तो कहते हैं कि मन और वाणी के द्वारा उसे जाना नहीं जा सकता, और दूसरी जगह उपनिषद कहते हैं उसे जाना जा सकता है। इसका उत्तर श्री राम कृष्ण यहां देते हैं, विषय बुद्धि का लेश मात्र रहते ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। श्री राम कृष्ण यह भी कहते हैं शुद्ध आत्मा और शुद्ध मन एक एक। जब मन बिल्कुल शुद्ध हो जाता है तब क्या होता है? मन रहता नहीं। मन का अर्थ क्या है? कंटिन्यूअस चित्त वृत्तियों का प्रवाह, विचार कंटिन्यूअस जो उठते रहते हैं उसी को मन कहते हैं। और जब मन नहीं रहेगा, मन में विचार नहीं उठेंगे तब क्या होगा? मन रहेगा ही नहीं तो क्या रहेगा? मन को प्रकट प्रकाशित करने वाली आत्मा मात्र रहे। यह है साइकोलॉजी ब्रह्म ज्ञान की, आत्मज्ञान इत्यादि की। इसीलिए कहते हैं उसको बोला नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता, क्योंकि वहां तो मन है ही नहीं, और मन नहीं तो इंद्रिया नहीं। श्री रामकृष्ण अपने अनुभवों को बताने के लिए कई बार भक्तों से कहते हैं अच्छा तुमको मैं सब बताता हूं क्या होता है समाधि में। देखो ऐसा होता है जब मन यहां आता है ना तो लगता है कि भगवान को देख लिया, लेकिन वो कांच की अलमारी के अंदर से कितनी चीजें देखते हैं वैसा दिखता है। जब यहां मन आता है ना तब क्या होता है बताऊं? और समाधि में लीन हो जाते। दूसरी बार वर्णन करने का प्रयत्न करते फिर समाधि में लीन हो जाते। कहते अरे मैं तो बताना चाहता हूं लेकिन मां मेरा मुंह बंद कर देती। अरे मां क्या मुंह बंद करती है, वो तो ऐसी चीज को बताना चाहते हैं जो मन के विचारों से, मन के द्वारा नहीं जाना जा सकता, उसका वर्णन कैसे हो सकता? यही बात श्री राम कृष्ण कहते हैं, विषय बुद्धि का लेश रहते भी ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। काम कांचन का भाव, काम का सब कुछ वासनाओं का भाव जब मन से बिल्कुल नहीं रहेगा तब होगा। पार्वती जी ने पर्वतराज को कहा था पिताजी अगर आप ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं तो साधुओं का संग कीजिए। पर्वत पार्वती जो है वो तो हिमालय की कन्या है, लेकिन उनको पता है कि ये भगवती है, देवी है। उन्होंने स्तुति की कि देवी भगवती मां मुझे बताओ। उन्होंने बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस करवाए, मां भगवती के बहुत सारे विभिन्न रूपों का वर्णन दर्शन करवाया। उन्होंने पूछा कि आप मेरे को जरा ब्रह्म ज्ञान दो। कहा कि ब्रह्म ज्ञान ऐसा नहीं होगा, इसके लिए सत्संग करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, चित्त शुद्ध करना पड़ेगा, तब ब्रह्म का दर्शन होगा। इसके आगे की चर्चा हम अगली बार करेंगे।